नमः शिवाय। मित्रों जय भोलेनाथ। मित्रों सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं और सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं। मित्रों आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इस बार सावन जो है मल मास होने के कारण इस बार सावन एक महीना नहीं बल्कि दो महीने के लिए आया है। इसमें दोस्तों अगर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे आप लोग तो आप भी अपने जीवन के सारे संकट खत्म कर पाएंगे। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप लोग सोमवार के दिन 108 चावल के दाने लेना है और भगवान शिव को इस जगह पर अर्पित कर देना है जो हम आपको आगे बताएंगे। ऐसा करने से ही आपके जीवन के सारे संकट खत्म होने लगेंगे, आए दिनों में आप लोगों को अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद खास माना जाएगा क्योंकि इस बार जो है सावन जो है 19 साल बाद फिर से परिवर्तन लेकर आया है। इस परिवर्तन में लोगों का अच्छे से भला हो इसलिए दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन 108 साबूत चावल के दाने लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर इस जगह पर अर्पित करना है ताकि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएं। मित्रों आप लोगों को बता देना चाहते हैं सावन में मल मास होने के कारण इस बार सावन एक नहीं बल्कि दो महीने के लिए आया है। ऐसे में आप लोगों को सावन सोमवार चार नहीं बल्कि आठ सोमवार मिलेंगे। अब आपको भगवान शिव की पूजा के लिए आठ सोमवार व्रत रखना पड़ेगा और भगवान शिव को अच्छे से प्रसन्न करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। दोस्तों साल 2023 में सावन मास का प्रारंभ जो है 4 जुलाई से हो चुका है। इस बार सावन दो महीने का होगा और भगवान शिव को समर्पित सावन महीने में गंगा स्नान और भगवान शिव की आराधना और पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन महीने में सोमवार के दिन जो है व्रत भी रखा जाता है। भक्तों की मनोकामना इसी व्रत से पूरी भी होती है, ये दोस्तों इतिहास में तय है। ऐसा दोस्तों आप लोगों को अनुभव नहीं बल्कि सच भी होता है। सोमवार के दिन व्रत रखकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस महीने के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इस बार सावन में 8 सोमवार व्रत पड़ेंगे और साथ ही कई शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे ये सावन दोस्तों बहुत ही अच्छा और बेहद माना जाएगा और भगवान शिव की कृपा अन्य राशियों पर होगी और आपका भी जीवन बदलेगा। और हम दोस्तों बता देना चाहते हैं सावन सोमवार की जो व्रत की तिथियां हैं, किस किस दिन आप लोगों को व्रत रखना है और कितने सोमवार पड़ेंगे। सावन का हमारा जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा और सावन का हमारा जो दूसरा सोमवार है वो 17 जुलाई को पड़ेगा और सावन का हमारा जो तीसरा सोमवार है वो 24 जुलाई को पड़ेगा और सावन का हमारा जो चौथा सोमवार है वो जो है 31 जुलाई को पड़ेगा और हमारा सावन का जो पांचवा सोमवार है वो 7 अगस्त को पड़ेगा। सावन का हमारा छठा जो सोमवार है वो 14 अगस्त को पड़ेगा। सावन का हमारा जो सातवां सोमवार है वो 21 अगस्त को पड़ेगा और हमारा सावन का सबसे लास्ट यानी कि आठवां सोमवार जो है वो 28 अगस्त को पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को भगवान शिव की पूजा करना है और हर सोमवार के दिन चावल को ऐसे चढ़ाना है ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। अब हम आपको बताएंगे सावन के सोमवार आप लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान कर लेना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है, फिर जो है हाथ में जल व पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान शिव का शुद्ध जल से गंगा जल या फिर दूध दही शहद या फिर घी मिलाकर अभिषेक करें। सावन सोमवार की पूजा आप जो है अपने घर या घर के बाहर किसी शिव मंदिर में कर सकते हैं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र भस्म धतूरा समी कनेर गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और भगवान शिव को बेल पत्र प्रिय है इसलिए बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसलिए आप लोगों को अपने पूजा के अनुसार भगवान शिव को अच्छे से पूजा करके और ओम नमः शिवाय का जाप करना है और घर पर अगर देसी घी हो तो आप लोगों को भगवान शिव के मंदिर में दीपक अवश्य जलाना है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, महादेव शिव और उनकी प्रिय सफेद चावलों या फिर सफेद फूल या फिर खीर का भोग लगाएं। अब विशेष उपाय के रूप में आपको साबूत चावल 108 दाने लेने हैं, चावल के 108 दाने लेने हैं और गिनकर महादेव को ओम नमः पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है।
ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे और आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद खुश माना गया है, इसलिए आप लोग इस उपाय को अवश्य करना और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओम नमः शिवाय जरूर।